अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ में जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो एक कॉन्टेस्ट की विनिंग रेसिपी है, जिसको स्पॉन्सर किया था कैच सॉल्ट एंड स्पाइस ने। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ब्राउन शुगर, 2 टेबल स्पून कैच का कोरिएंडर पाउडर, 2 टीस्पून कैच का रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून पपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और ऐड करेंगे हम उसमें वाइट विनीगर, 1/2 लेमन का जूस और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 4 टेबल स्पून के करीब। मिक्स करेंगे इसे अच्छे तरीके से। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 200 ग्राम के करीब मैंने बोनलेस चिकन को इसमें ऐड करके मैरिनेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप व्हीट फ्लावर, उसमें मैंने ऐड करा 1 टीस्पून बेकर्स विले का बेकिंग पाउडर, 4 टेबल स्पून चिरौंजी का पेस्ट ऐड करा है मैंने, जो चारोली होते हैं उसको मैंने सोक करके ग्राइंड किया मिल्क के साथ में और उसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3/4 कप मिल्क लिया था। अब मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी डो को नीट करने के लिए। ये देखिए, ये जो डो है वो रेडी हो चुका है। इसको फिर से हम थोड़े से ऑयल के साथ में ऑयल अप्लाई करके उसे रेस्ट पर रख देंगे हम। नॉर्मल कुकिंग ऑयल में हमें इस चिकन को फ्राई कर लेना है। तो चलिए, अब ये हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है, जिससे हम बनाएंगे पीटा ब्रेड। चिकन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। पीटा ब्रेड को हमें बहुत ज़्यादा थिन नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। चपाती की साइज़ का स्मॉल साइज़ में बनाना है। मैंने तवे को गर्म कर लिया है, इस पर मैंने डाल दिया है पीटा ब्रेड। इस तरीके से बबल्स जब आ जाएं इस पर तो इसे फ्लिप कर दें। मैंने लार्ज साइज का तवा लिया है, जिस पर एक साथ में 3 पीटा ब्रेड रेडी हो जाते हैं। इसी तरीके से सारे पीटा ब्रेड रेडी कर लीजिए और उसे साइड में रख दीजिए। अब ग्रीन पेपर सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन पेपर कैप्सिकम, जिसे हम डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। ग्रिल करने के बाद में जो इसकी बर्न स्किन है जली हुई, उसे निकाल लेंगे और 4 वॉलनट के साथ में थोड़ा सा नमक ऐड करके और थोड़ा ऑलिव ऑयल ऐड करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। स्पाइस के लिए मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड करा है, आप चाहे तो गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। रेडी सॉस को हम स्प्रेड करेंगे पीटा ब्रेड के ऊपर। अब चॉप किया हुआ कैबेज मैंने लिया है, आप चाहे तो अनियन ले सकते हैं, आप चाहे तो टमेटो ले सकते हैं, या आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप वो ले सकते हैं। फ्राई किए हुए चिकन को अब हम इस पर रख देंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करके
गरम गरम सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसे मेयोनीज के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। टोमेटो केचप का भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।